कोडरमा में दबंगों ने एक परिवार पर जबरन उसकी जमीन बेचने का दबाव डाला। परिवार ने जब जमीन बेचने से इनकार कर दिया तो दबंगों ने उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। गांव का कोई भी ग्रामीण उनसे बात नहीं करता। अगर किसी ने उस परिवार से नाता रखा तो 11,000 का जुर्माना देना होगा। जब थाना से कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार एसपी से गुहार लगाने पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। ये नारायण ठाकुर है, बहुत परेशान है, संकट में है। इनकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों की नजर है, जबरन जमीन बेचने का जोर डाला जा रहा है। जब लाख धमकियों के बाद भी इन्होंने जमीन बेचने से मना कर दिया तो दबंगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। दबंगों के डर से गांव के लोग भी इनसे बात करने में कतराते हैं। जब जीना मुश्किल हो गया तो नारायण ठाकुर इंसाफ की गुहार लगाने कोडरमा एसपी के दफ्तर पहुँच गए। भुतिया लोग है सो हमको बोलता है जमीन बेचो नहीं तो हम मारपीट कर देंगे, काट मार देंगे। हम लोग तो भगे में 8 दिन से हम लोग घर में भी नहीं है, 8 दिन से हम इधर उधर भग रहे हैं। कभी भी मार सकता है, दिन रात हम इधर उधर भगे हुए हैं और कहता है कि जमीन बेचो। जमीन बेचेगा तो मार के फेंक दे। पूरा मामला कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना इलाके के मूर्ख मनाए टार का है। नारायण ठाकुर का आरोप है कि दबंग प्रवृत्ति का गोपाल ठाकुर, सुधीर ठाकुर, छोटू ठाकुर, दिलीप ठाकुर, सुखदेव शर्मा और रीतलाल ठाकुर ने उनका हुक्का पानी बंद करवा दिया है। कोई गांव वाला उनसे बात नहीं कर रहा है। उनसे किसी तरह का ताल्लुक रखने पर 11,000 रुपए के जुर्माना का फतवा जारी कर दिया गया है और हुक्का पानी बंद कर दिया। नेता जो हमारे गाँव से निमंत्रण आया था वो कार्ड वापस करवा दिया और उसके बाद में कहता है बोल ज्यादा बहिष्कार करता है और पूरा गांव से रोक लगा दिया, चलना बुलना बंद करवा दिया, बात विचार करना करना बंद कर दिया है और कहता है बोल कोई भी इससे बात करेगा तो 11,000 रुपया जुर्माना लिया लेंगे। नारायण ठाकुर के आरोपों में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो ये हमारी कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती है। सवालों में स्थानीय मरकच्चो थाना भी है, सवाल यह भी है कि थाना ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आखिर नारायण ठाकुर को एसपी के चौखट तक क्यों आना पड़ा। कोडरमा से TV45 के लिए कुंतलेश पांडे की रिपोर्ट। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुंतलेश हमारे साथ बने हुए। कुंतलेश देखिए, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे है, आखिर हम कौन से समाज में रह रहे हैं कि जहां दबंगों की अगर नहीं कोई सुनेगा तो सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है और जब ये भी कह दिया जाता है कि अगर आप उनसे बात करते हैं तो आपको 11,000 का जुर्माना लगेगा, तो आखिर कौन से मतलब अगर दबंगों की क्या इतनी मनमानी बढ़ गई है कोडरमा में? जी अंकिता, ये मामला कोडरमा जिला के मरकच्चो प्रखंड के मूर्ख मनाए गांव का है जहां पे गोतिया लोगों के द्वारा जमीन बेची जा रही थी तो दबाव डाला गया अपने गोतिया पे कि तुम भी जमीन फले दबंग आदमी को दलाल को बेच दो। उन्होंने जमीन बेचने से मना कर दिया। मना करने के बाद उसके जो जो, जो गोतिया जमीन बेच रहे थे, रिश्तेदार जमीन बेच रहे थे, उन्होंने दबंग जबरदस्ती बेचने का दबाव डाला लेकिन लोगों ने नहीं किया। इस बीच में उन लोगों ने पंचायत बैठाकर छोटी सी पंचायत बैठक जिसमें कुछ लोग ही संबंधित कुछ लोग ही थे, उन लोगों ने दबाव डाला कि इससे कोई बात नहीं करेगा, इससे कोई बात नहीं जाएगा तो 1,000 का जुर्माना लगेगा और उन लोगों ने जमीन छीनने का प्रयास किया। इस बाबत भुक्तभोगी मुखिया निवासी ने एसपी को आवेदन लिखकर मामले की जांच करवाई करने का जामा सुरक्षा का आवेदन दिया है। जी कुंतलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो कोडरमा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दरअसल एक परिवार पर जबरन उसकी जमीन बेचने का दबाव डाला जाता है और जब परिजन नहीं मानते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है और इतना ही नहीं ग्रामीणों से यह तक भी कहा जाता है अगर आप उनसे बात करते हैं तो 11,000 का जुर्माना भी लगेगा। हालांकि नारायण ठाकुर एसपी तक पहुंचे और एसपी से गुहार लगाई है कि उन्हें जो दबंग है उन पर उचित कार्रवाई की जाए। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी गुहार सुनी जाती है, क्या उन्हें जो जमीन बेचने का दबाव उन पर जो बना रहे हैं उन्हें क्या गिरफ्तार किया जाता है या फिर नहीं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।